हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। सो लास्ट टाइम जब मैंने लिबास हॉल वीडियो बनाया था तो आप सभी को वो बहुत पसंद आया और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था, और यही एक रीज़न है कि मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट एक लिबास हॉल वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूं। लिबास में अभी सेल चल रहा है और बहुत अच्छा सेल है, और आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू मिस इट। इसलिए आज ही मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं और आज ही मैं फटाफट ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इस बार लिबास सेल हॉल में मैंने फोकस किया है उन सारे पीसेस पे जो कि टाइमलेस पीसेस होते हैं, जिन्हें पहनने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोसाइटी में कोई इवेंट हो, किसी के घर में कोई इवेंट हो, कुछ सत्संग आपको अटेंड करना हो, किसी फ्रेंड के कुछ स्पेशल ओकेजन हो जो आपको अटेंड करना हो, या फिर कोई वेडिंग हो उसमें किसी इवेंट पे आपको ये पीसेस डालने हो, किसी भी इवेंट में आपको बिना सोचे समझे ये पीस आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे रीजंस ये हैं कि ये सारे जो पीसेस हैं प्योर मटेरियल में पीसेस हैं, तो पहनने के बाद बहुत एलिगेंट और क्लासी लगते हैं। एट द सेम टाइम ये ऐसे पीसेस हैं जिनका फैशन कभी भी नहीं जाएगा, दे आर नॉट नेवर गोइंग टू बी आउट ऑफ फैशन, क्योंकि ये स्ट्रेट फिट वाले सूट्स हैं और इनके दुपट्टे इतने सुंदर हैं और इतने प्यारे हैं कि इन दुपट्टों को आप अलग से भी किसी और सूट पीस के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, पहन सकते हो। और ये पीसेस आपको किसी भी इवेंट में क्वेश्चन मार्क में नहीं डालेंगे, मतलब नो बडी इज गोइंग टू से कि यार ये क्या पहन के आ गई है या पता नहीं क्या पहना हुआ है। नो बडी इज गोइंग टू से दैट, पीपल आर गोइंग टू कम टू यू एंड दे आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू, सच काइंड ऑफ पीसेस दे आर। और ये सारी पीसेस जो है इनकी क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दुपट्टे की लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल प्योर यूज़ हो रहा है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर उसकी सिलाई और स्टिचिंग में मतलब सफाई है कि नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पीसेस ऐसे हैं जिनमें ये सारी शिकायतें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो पीसेस हैं इन सब में पॉकेट्स भी दी हुई हैं, ताकि आप अपना मोबाइल या कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो आप बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करते हो या बार बार देखते हो वो रख सको। तो इट ऑल्सो क्रिएट्स एन ईज। मुझे जो है पॉकेट वाले जो सूट्स हैं वो बहुत पसंद है, तो इन सभी सूट्स में पॉकेट्स भी हैं, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है, और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ पहले ही बता दिया है। तो लेट्स बिगिन विथ आर हॉल वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस पिंक सूट की, जो कि जिसके नेक पे ये पूरा बहुत ही इंट्रिकेट सा वर्क किया हुआ है, और ये हल्का सा प्रिंट में है, जैसे ये ना बनारसी वाला फील दे रहा है आपको। ये प्योर सिल्क मटेरियल में है सूट, और इसके अंदर जो है वो शतून की लाइनिंग लगी हुई है, तो लाइनिंग का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। लिबास में आपको क्वालिटी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देखिए स्पेशली इसमें देखिए बटन्स भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और ये टैसल्स भी एक्स्ट्रा है जो कि दुपट्टे में यूज़ होते हैं, तो दोनों ही आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसकी स्लीव्स में जो है ये इस तरीके का वर्क किया हुआ है स्लीव्स में, और इसकी लेंथ बहुत अमेजिंग है, मतलब लेंथ वाइज ये बहुत अच्छा है। और इसका जो नीचे बॉटम है उसमें भी आपको जो लास्ट में बहुत अच्छा सा ये इस तरीके की पाइपिंग मिल रही है, जिससे सूट का गेटअप बहुत अच्छा आता है। पॉकेट दोनों साइड में पॉकेट्स हैं, और मतलब इसकी जो सिलाई है इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। इतनी बहुत अमेजिंगली इतनी सफाई से इसमें सिलाई की हुई है कि आपका जो इसको पहनने के बाद जो आपको गेटअप आता है वो बहुत ही क्लासी लगता है। तो दुपट्टे की लेंथ अप्रोप्रिएट है, इसमें टैसल्स डिटेलिंग है, और इस तरीके का इसमें भी बॉर्डर लगाया हुआ है, और पूरे दुपट्टे में इस तरीके की बूटियाँ हैं। तो दुपट्टे का सुंदर तो बहुत लग रहा है, और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा है कि प्योर मटेरियल है, तो पहनने पे जो ग्रेस है वो बहुत ही अलग आती है। सभी के प्राइजेस मैं मेंशन कर रही हूँ, और सारे सूट से मैंने एस साइज ऑर्डर किया है। नेक्स्ट मैंने एक ग्रीन कलर का सूट लिया है, और जिसमें सामने जो है वो योग डिज़ाइन है, इस तरीके का इसमें योग डिज़ाइन है, स्लीव्स पे भी ये बना हुआ है, और ये मटेरियल जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट नेट मटेरियल है। इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है शतून की, तो बहुत ही पूरी लेंथ में लाइनिंग है, इसकी पूरी लेंथ बिल्कुल नीचे तक जा रही है लेंथ, और चोली टाइप की इसमें बनी हुई है, यहाँ पे इस तरीके की चुन्नट की डिटेलिंग है, और ये पूरे नीचे तक जा रहा है। इसके साथ जो है वो प्लाजो है, जो कि शतून मटेरियल का सिंपल ग्रीन कलर का प्लाजो है, और बेल्ट की डिटेलिंग है सामने,
और पीछे जो है इलास्टिक की डिटेलिंग है, और दुपट्टा है जो वो भी नेट मटेरियल का है, बिल्कुल सॉफ्ट नेट है और जिसमें पाइपिंग लगाई हुई है पूरे दुपट्टे में। और जिस प्राइस में ये अभी पूरा कंप्लीट सूट अवेलेबल है, उतने प्राइस में मुझे लगता है आजकल कॉटन के सूट्स भी नहीं आते हैं। और ये जो है ये एकदम सिंपल सा सूट है जो आप कभी भी कहीं भी आप इजीली कैरी कर सकते हो। स्पेशली अभी होली भी आ रही है, होली में हम ग्रीन कलर प्रेफर करते हैं, सो कीपिंग दैट ऑल्सो इन माइंड दिस कैन बी अ गुड पिक। इंडियन घरों में होली के बाद जो पूजा होती है, मतलब होली खेलने के बाद भी हम नए कपड़े पहनते हैं, तो उस चीज़ को भी अगर आप ध्यान में रखो तो ये डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो। सूट मेरा फेवरेट सूट है और वो कलर भी मेरा फेवरेट है, विच इज़ पर्पल। बहुत ही सुंदर सूट है ये, मतलब एक तो ये सबसे पहले इसकी मटेरियल की बात करें, मटेरियल है इसका सिल्क, प्योर सिल्क मटेरियल है इसमें। ये योग डिज़ाइन का ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, और इसमें भी वो ना वैसी वाली, जैसे मैंने कहा था ना कि इसमें भी बनारसी वाली फीलिंग है, और इसका जो स्लीव्स है उसमें भी डिटेलिंग है, और ये पूरा लॉन्ग इस तरीके का कुर्ता है जिसके नीचे देखो बहुत ही ब्रॉड डिटेलिंग के साथ ये एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, जिससे इसका गेटअप बहुत ही अमेजिंग गेटअप आ रहा है। स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि इसके जो नीचे ट्राउज़र हैं उसमें भी नीचे ये वाली डिटेलिंग है, तो अभी आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि इसका गेटअप बहुत ही सुंदर आ रहा है। ये थोड़ा सा कॉस्टली रेंज में है, 2,500 के करीबन का है ये सूट, बट अगर मैं 2,500 का भी ये सूट ले रही हूँ और इतनी अच्छी क्वालिटी में, तो मुझे नहीं लगता ये अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग भी करोगे तो इस रेंज में इस तरीके का सूट आपको मिलेगा कभी भी। सबसे अमेजिंग है इसका दुपट्टा, क्योंकि इसका दुपट्टा बिल्कुल एक ही शेड में है। जब भी दुपट्टा सिंगल शेड में होता है तो उसका जो यूसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये वाला जो दुपट्टा है ये बिल्कुल सिंगल शेड में है। इसके पूरे चारों तरफ इस तरीके की जरी वर्क है, और ये टैसल्स डिटेलिंग है, और पूरे इसमें ये ऐसी बूटियाँ बनी हुई हैं, तो सुंदर सा दुपट्टा है। और देखो डिटेलिंग इसकी कितनी प्यारी है, बहुत सुंदर है इसकी दुपट्टे की जो डिटेलिंग है। ये सिर्फ इसके कॉर्नर में ये नहीं लगा हुआ है, इसके साथ ही साथ ये राउंड में जो ये इसका जो जरी वर्क है ये बहुत ही अमेजिंग दुपट्टे को बना देता है। और इसके बाद में बात करूँ इसी कैटेगरी में सूट की, तो जो सूट मैंने पहना हुआ है वो उसकी मैं बात करूँगी। इसमें भी पूरे योग डिज़ाइन में वर्क किया हुआ है, स्लीव्स में भी वर्क है, और नीचे इसके बिल्कुल प्लेन इसके ट्राउज़र दिए हुए हैं। और इसका जो दुपट्टा है ये सिल्क का दुपट्टा है पूरा, जिसमें बॉर्डर डिटेलिंग है, इस तरीके की टैसल्स हैं। लिबास के सारे ही दुपट्टों मैंने नोटिस किया है दे ऑलवेज पुट टैसल्स, और टैसल्स से ना दुपट्टे की थोड़ी सी गेटअप बहुत अमेजिंग आ जाता है, मतलब सुंदर लगता है, वो गर्लिश थोड़ा सा लगता है। तो हर ही दुपट्टे में आपको ये टैसल्स मिलेंगे, और इसके इसे ऐसा चौड़ा सा बॉर्डर है, और इसमें ना बहुत सारे शेड्स हैं। इसके शेड्स आप देखो, इसमें पिंक है, येलो है, तो ये ऐसा दुपट्टा है जो कि अगेन आप अलग से भी इसको कैरी कर सकते हो, बट ओवरऑल ये सूट बहुत सुंदर लग रहा है। और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी रेंज में ये अभी अवेलेबल है, तो ये भी एक टाइमलेस पीस है जो आप डेफिनेटली खरीद कर रख सकते हो, आने वाले किसी भी ओकेजन में आप ये डेफिनेटली डाल सकते हो और ये बहुत सुंदर लगेगा। और ये जो सारे सूट्स हैं ना, ये किसी भी बॉडी शेप में अच्छे लगेंगे। आप थोड़े हेल्दी हो, ज़्यादा पतले हो, या आप किसी भी बॉडी टाइप में अगर आप हो, ये जो स्ट्रेट फिट वाले सूट्स होते हैं ये सभी के ऊपर अच्छे लगते हैं, स्पेशली अगर ये इतने अच्छे क्वालिटी के हों। लिबास में आपको कुर्ते, जो सिर्फ कुर्ते वाली जो रेंज है वो भी आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने कुछ कुर्ते आपके साथ शेयर किए थे, आप मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, वो वाला वीडियो अभी आप देख सकते हो, और उससे भी अगर आप शॉपिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। इस बार भी मैंने एक कुर्ता लिया है, और ये ऐसा कुर्ता है जो आप ऑफिस में भी डाल सकते हो, किसी सपोज कुछ ऐसा ओकेजन हो, या नॉर्मली भी आप डाल सकते हो। आप चाहो तो इसे किसी इवेंट या किसी फंक्शन में भी पहन सकते हो। ये जो है ये प्योर सिल्क का कुर्ता है, और चंदेरी सिल्क है ये, और इसमें ऐसे ऐसे ना इसी सेल्फ में ही, नहीं सेल्फ नहीं कहेंगे इसे, मतलब इसी के शेड का एक लाइट शेड में इस तरीके का इसमें वर्क किया हुआ है। बहुत ही सुंदर ये थ्रेड वर्क है, और
सिंपल सा कुर्ता है, कुछ ऐसा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बट इसकी स्लीव्स में इस तरीके की बटन डिटेलिंग्स और इस तरीके का कट है, और ये बिल्कुल वी नेक के साथ, ये बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता है, बट ये कुर्ता पहनने पे इतना सुंदर और एलिगेंट लगता है। इसके साथ ये शतून का ये अंदर इसके इनर लगा हुआ है, जिससे इसकी गेटअप बहुत अच्छी आ रही है। ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल रेंज में अभी अवेलेबल है, और कलर भी ऐसा है कि ये कलर भी ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप को सूट करता है, हर कॉम्प्लेक्शन को सूट करता है, तो ये भी एक अच्छा पिक हो सकता है अगर आप चाहें तो। अब मैंने दो कॉटन के सूट से मंगाए थे, जस्ट टू शेयर सम वेराइटी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लिबास मैंने ये नोटिस किया है कि जो कॉटन और जो दूसरे मटेरियल के सूट्स हैं उनमें साइज़ में हल्का सा डिफरेंस है। मैंने कॉटन और बाकी सारे सूट्स एस में मंगाए हैं, बट कॉटन वाले थोड़े से मतलब मेरे को बिल्कुल परफेक्ट फिट में है, जबकि मैं प्रेफर करती हूँ कि हल्का सा लूज़ हो, ताकि अगर वो थोड़ा श्रिंक भी होता है तो मुझे आ ही जाए। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी, एक साइज़ आप बड़ा मंगाना अगर आप कॉटन सूट्स लिबास के मंगा रहे हो तो। अब ये वाला जो कॉटन सूट है, इसमें सबसे पहली बात तो ये स्लीवलेस है, लेकिन इसमें 3/4 स्लीव दी हुई है, 3/4 ही लग रही है मुझे देखने पे, ऑल्दो मैंने खोली ही नहीं है। ये इस तरीके की स्लीव अंदर अटैच्ड है, तो अगर आप स्लीवलेस कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे निकाल के स्लीव्स भी के साथ भी पहन सकते हो। ये जो है ये बोट नेक में है ये सूट, और ये हाई स्लिट है। मैंने एक्चुअली ऑनलाइन देखा तो मुझे समझ नहीं आया था ये हाई स्लिट है। एक्चुअली हाई स्लिट सब कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आप चाहो तो इसे स्लिट को यहाँ तक इसको सिलवा भी सकते हो टेलर को बोल के यहाँ तक, तो ये नॉर्मल सूट में बन जाएगा, नॉर्मल सूट। और ये हाई स्लिट में है, और इसमें भी हल्का सा गोल्डन पाइपिंग के साथ ये देख रहे हो आप वर्क किया हुआ है आगे और पीछे भी पूरा, मतलब ये जो बटन के साथ जो नीचे तक जा रहा है इसमें भी पूरा वर्क किया हुआ है। अगर मैं बटन लगा के आपको दिखाऊं तो इस तरीके का बटन लगाने के बाद भी पूरा नीचे तक वर्क हो रहा है, और ये बिल्कुल प्रिंटेड में है, और इसके साथ प्लाजो दिया हुआ है, प्लाजो भी थोड़ा अलग प्रिंट में है, और प्लाजो में पॉकेट्स हैं, और इस तरीके का ये प्लाजो है। सो एक्चुअली जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनके कॉटन के सूट्स ही बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो अगर ऑफिस वेयर के हिसाब से आप देख रहे हो तो आप कॉटन के सूट्स को भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये वाला सूट भी मुझे अच्छा लगा, और लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आई डू नॉट फॉरगेट कि हाई स्लिट है, तो आप कीप इन माइंड कि आपको अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसे आपको सिलवाना पड़ेगा थोड़ा सा, और कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी ऑफ दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस पीस। सबसे बड़ी बात, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है ये ग्रीन वाला कुर्ता, तो आप ले सकते हो। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस रखने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं, बार बार धुलते हैं, तो ये वाला जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है खरीदने का, क्योंकि सेल चल रही है अभी। और इसके बाद मैंने एक लिया है सलवार, अफगानी सलवार आजकल बहुत इन है, तो ये जो सलवार है इस तरीके की जो होती है, जिसमें इस तरीके का नीचे होता है फिर उसके बाद चुन्नटे होती है, अफगानी सलवार होती है। तो ये है इसकी सलवार, ये अफगानी सलवार है, और इसके साथ ये कॉटन का पिंक दुपट्टा है, जिसमें ये बांधनी का दुपट्टा है, बिल्कुल प्योर कॉटन का है ये भी। इसमें ग्रे कलर का शेड अवेलेबल है, इसके पिंक एंड ग्रे शेड में है, और इसका ये कुर्ता है जिसकी स्लीव जो है थोड़ी सी अलग हटके स्लीव है, मतलब ये सिंपल ऐसी नहीं है, हल्की सी बेल स्लीव्स है, देख रहे हो आप, ये बेल स्लीव्स है, मतलब ये हल्की सी नीचे से खुल रही है, इसमें पाइपिंग लगी हुई है, और सामने सिंपल सा इसका गला है। तो ये इसका ना मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है, कीपिंग इन माइंड के समर्स आ रहे हैं तो ये बिल्कुल पतला कॉटन है, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉटन है, मतलब ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, तो बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है अगर आप इस समर्स के लिए ले रहे हो। बस इट फॉर दिस हॉल वीडियो। सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए हैं उन सबके लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज भी अपलोड कर रही हूँ, तो वो भी आप जरूर देखिए। सभी के लिंक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिलेंगे, क्योंकि आजकल हम लिंक जो है वो शॉर्ट के साथ मैसेज के थ्रू आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में जाना पड़ेगा। मतलब आई होप आपको आता हो कम्युनिटी पोस्ट देखना, नहीं आता तो आप किससे पूछ सकते हो, तो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको नहीं समझ आता है, तो मैं डेफिनेटली आपकी आपको हेल्प करूंगी। और ये सारी कम्युनिटी पोस्ट में जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें जो प्रोडक्ट मैं शेयर करती हूँ उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, और आज के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
एंड डू शेयर विथ मी अगर आपको कोई और भी हॉल वीडियो देखना है। बहुत कई बार मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती हूँ एक साथ, तो मैं जो जो खरीदती जाती हूँ वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स के थ्रू शेयर करती हूँ, तो आप शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिए। इसके साथ ही साथ ट्रैवल वीडियोज़ भी हैं, वो भी देखिए, और आने वाले टाइम में भी ट्रैवल वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि मेरी बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं एडिटिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स इट, बाय बाय।